मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ अंचल में 66 विधानसभा सीटें हैं और अगर बात करें सुसनेर विधानसभा सीट की तो यहाँ पर भाजपा के मुरली पाटीदार को कांग्रेस के महेंद्र सिंह परिहार कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अगर विधानसभा में भाजपा के मनोहर उटवाल जीते नजर आ रहे हैं। शाजापुर विधानसभा सीट से भाजपा के अरुण भीमावत की जीत सुनिश्चित दिखाई दे रही है। शुजालपुर विधानसभा सीट से भाजपा के इंदर सिंह परमार जीतते नजर आ रहे हैं। कालापीपल विधानसभा सीट से भाजपा के बाबूलाल वर्मा और कुणाल चौधरी के बीच कड़ी टक्कर है, जिसमें बाबूलाल वर्मा जीतते दिखाई दे रहे हैं। सोनकच्छ विधानसभा सीट पर भाजपा के राजेंद्र वर्मा और कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। देवास विधानसभा सीट से भाजपा की गायत्री राजे पवार जीतती दिखाई दे रही हैं। हाटपिपलिया सीट से भाजपा के दीपक जोशी की जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। खातेगांव विधानसभा सीट से भाजपा के आशीष शर्मा जीतते नजर आ रहे हैं। बागली विधानसभा सीट से भाजपा के पहाड़ सिंह जीतते नजर आ रहे हैं। मांधाता विधानसभा सीट से भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर कड़ी मशक्कत के बाद जीतते नजर आ रहे हैं। हरसूद विधानसभा सीट से भाजपा के विजय शाह की जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। खंडवा विधानसभा सीट से भाजपा के देवेंद्र वर्मा जीतते नजर आ रहे हैं। पंधाना विधानसभा सीट से भाजपा के राम डोंगरे और कांग्रेस की छाया मोर के बीच कड़ा मुकाबला है। निपनगर विधानसभा सीट से भाजपा की मंजू राजेंद्र दादू जीतती नजर आ रही हैं। बुरहानपुर विधानसभा सीट से भाजपा की अर्चना चिटनीस की जीत पक्की नजर आ रही है। भीकनगांव विधानसभा सीट से भाजपा के धूल सिंह डावर और कांग्रेस की झूमा सोलंकी के बीच कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। बड़वा विधानसभा सीट से भाजपा के हितेंद्र सोलंकी और कांग्रेस के सचिन बिड़ला के बीच मुकाबला नजर आ रहा है। महेश्वर विधानसभा सीट से भाजपा के भूपेंद्र आर्य और विजयलक्ष्मी साधो के बीच कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है, जिसमें साधो की जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। कसरावद विधानसभा सीट से कांग्रेस के सचिन यादव जीतते नजर आ रहे हैं। खरगोन विधानसभा सीट से भाजपा के बालकृष्ण पाटीदार जीतते नजर आ रहे हैं। भगवानपुरा विधानसभा सीट से भाजपा की जमुना सोलंकी को कांग्रेस के विजय सिंह सोलंकी से कड़ी टक्कर मिल रही है। सिंधवा विधानसभा सीट पर भाजपा के अंतर सिंह आर्य जीतते नजर आ रहे हैं। राजपुर विधानसभा सीट से भाजपा के देवी सिंह पटेल जीतते नजर आ रहे हैं। राजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के बाला बच्चन जीतते नजर आ रहे हैं। पानसेमल विधानसभा सीट से भाजपा के दीवान सिंह पटेल जीतते नजर आ रहे हैं। बड़वानी विधानसभा सीट से भाजपा के प्रेम सिंह पटेल जीतते नजर आ रहे हैं। अलीराजपुर विधानसभा सीट से भाजपा के नागर सिंह चौहान जीतते नजर आ रहे हैं। जोबट विधानसभा सीट से भाजपा के माधो सिंह डाबर का पलड़ा भारी है। झाबुआ विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर भाजपा के जीएस डामोर और कांग्रेस के विक्रांत भूरिया पर निर्दलीय जेवियर मेड़ा भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। थांदला विधानसभा सीट पर भाजपा के कल सिंह भावर को वीर सिंह भूरिया से कड़ी टक्कर मिलती नजर आ रही है। यहां पर भी निर्दलीय काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। पेटलावत सीट से भाजपा की निर्मला भूरिया जीतती नजर आ रही हैं। सरदारपुरा सीट पर भाजपा के संजय बघेल और कांग्रेस के प्रताप ग्रेवाल के बीच कड़ा मुकाबला है, हालांकि भाजपा जीतती नजर आ रही है। चंदवानी विधानसभा सीट पर भाजपा के सरदार मेड़ा और कांग्रेस के उमंग सिंघार के बीच कड़ा मुकाबला है, जहां कांग्रेस बाजी मारती नजर आ रही है। कुक्षी विधानसभा सीट पर भाजपा के वीरेंद्र बघेल और कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है, यहां कांग्रेस जीतती नजर आ रही है। मनावर विधानसभा सीट पर भाजपा की रंजना बघेल को जयस से कांग्रेस में आए हीरा अलावा कड़ी टक्कर दे रहे हैं। धर्मपुरी विधानसभा सीट पर भाजपा के गोपाल कनौजे जीतते नजर आ रहे हैं। धार विधानसभा सीट पर भाजपा की श्रीमती नीना वर्मा जीतती नजर आ रही हैं, हालांकि उन्हें प्रभा सिंह गौतम से कड़ी टक्कर मिल रही है। बदनावर विधानसभा सीट पर भाजपा के भंवर सिंह शेखावत को कांग्रेस के राजवर्धन सिंह दत्ती गांव से कड़ी टक्कर मिल रही है, हालांकि भाजपा जीतती नजर आ रही है। देपालपुर विधानसभा सीट पर भाजपा के मनोज पटेल को कांग्रेस के विशाल पटेल से टक्कर मिल रही है, हालांकि यहां पर भाजपा जीतती नजर आ रही है। इंदौर एक विधानसभा सीट पर भाजपा के वर्तमान विधायक सुदर्शन गुप्ता को कांग्रेस के संजय शुक्ला से टक्कर मिल रही है, हालांकि सुदर्शन गुप्ता जीतते नजर आ रहे हैं। इंदौर दो विधानसभा सीट पर भाजपा के रमेश महेंदोला की जीत सुनिश्चित दिखाई दे रही है। इंदौर तीन विधानसभा सीट पर आकाश विजयवर्गीय जीतते नजर आ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। इंदौर चार विधानसभा सीट से भाजपा की मालिनी गौड़ जीतती नजर आ रही हैं। इंदौर पांच विधानसभा सीट पर भाजपा के महेंद्र हार्डिया को कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल से कड़ी टक्कर मिल रही है, हालांकि महेंद्र हार्डिया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते नजर आ रहे हैं। महू विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की उषा ठाकुर को कांग्रेस के अंतर सिंह दरबार से कड़ी टक्कर मिल रही है। राऊ विधानसभा सीट पर भाजपा के मधु वर्मा और जीतू पटवारी के बीच मुकाबला है, जिसमें जीतू पटवारी भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। सावेर विधानसभा सीट पर भाजपा के राजेश सोनकर और तुलसी सिलावट के बीच मुकाबला है, जिसमें तुलसी सिलावट का पलड़ा इस बार भारी दिख रहा है। नागदा खाचरौद विधानसभा सीट पर भाजपा के दिलीप सिंह शेखावत जीतते नजर आ रहे हैं। महितपुर विधानसभा सीट पर भाजपा के बहादुर सिंह चौहान और कांग्रेस के सरदार सिंह चौहान के बीच मुकाबला है, लेकिन यहां पर निर्दलीय बाजी मारते नजर आ रहे हैं। तराना विधानसभा सीट पर भाजपा के अनिल फिरोजिया जीतते नजर आ रहे हैं। घटिया विधानसभा सीट पर भाजपा के अजीत प्रेमचंद गुड्डू जीतते नजर आ रहे हैं। उज्जैन उत्तर विधानसभा सीट पर भाजपा के पारस जैन की जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट पर भाजपा के मोहन यादव जीतते नजर आ रहे हैं। बड़नगर विधानसभा सीट पर
भाजपा के संजय शर्मा और कांग्रेस के मुरली मोरवाल के बीच तगड़ी फाइट नजर आ रही है। रतलाम ग्रामीण विधानसभा सीट पर भाजपा के दिलीप मकवाना और कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह डिंडोर के बीच तगड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। रतलाम शहर की जो विधानसभा सीट है उसकी अगर बात करें तो उस पर भाजपा के चेतन कश्यप जीतते नजर आ रहे हैं। सैलाना विधानसभा सीट पर भाजपा के नारायण मेड़ा जीतते नजर आ रहे हैं। जावरा विधानसभा सीट पर भाजपा के राजेंद्र पांडे जीतते नजर आ रहे हैं। आलोट विधानसभा सीट पर भाजपा के जितेंद्र गहलोत जीतते नजर आ रहे हैं। मंदसौर विधानसभा सीट पर भाजपा के यशपाल सिंह सिसोदिया जीतते नजर आ रहे हैं। उन्हें नरेंद्र नाटा से हालांकि कड़ी टक्कर मिल रही है। मल्हारगंज विधानसभा सीट पर भाजपा के जगदीश देवड़ा जीतते नजर आ रहे हैं। सुवासरा विधानसभा सीट पर भाजपा के राधेश्याम पाटीदार जीतते नजर आ रहे हैं। गरोठ विधानसभा सीट पर भाजपा के देवीलाल धाकड़ और सुभाष सोजतिया के बीच कड़ा मुकाबला है। मनाशा विधानसभा सीट पर भाजपा के माधव मारू जीतते नजर आ रहे हैं। नीमच विधानसभा सीट पर दिलीप परिहार जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो जीतते नजर आ रहे हैं। जावद विधानसभा सीट पर भाजपा के ओम प्रकाश सकलेचा और कांग्रेस के राजकुमार अहीर के बीच कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है।